Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, welcome back to another video in which we will gonna talk about the Greenland Park. Waleed bhai, kya naam hai park ka? Green Heart? Head? Okay, head, sir wala. So, park ka naam hai Green Heart Park. We are on the way to that. अभी अकोमोडेशन से निकले हैं और नेक्स्ट लोकेशन जो है वो ग्रीन हेड पार्क है. क्योंकि पहले टाइम है ना तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या है. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी विल गोना एक्सप्लोर दैट. तो जी ये हमारे सामने जो है ये यहाँ का हडर्सफील्ड का ट्रेन स्टेशन है ये. और आज हमारे साथ मौजूद हैं आर अपार्टमेंट मेट्स विच इज़ आफ्ताब भाई, मुईद, मुईज एंड दे ब्रदर फ्रॉम इंडिया विच इज अमान. नेक्स्ट जो जगह है सीन जो है वो ग्रीन हेड पार्क है. और लस्सी बीच में जो कुछ आएगा तो बताएंगे क्या है क्या. टिल दैट स्टे कनेक्टेड. वी विल गोना डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट दैट. आज की अगर वेदर की बात करें तो लास्ट डेज के बनस्पत जो है कुछ बेहतर है. और शावर स्टार्ट होने लगा है क्योंकि हल्का फुल्का सा आए कुछ अभी बारिश की बूंदें. और सीन कुछ इस तरीके से हैं कि धूप है तो इस वजह से हम लोग बाहर निकले थे. हमने कहा कि थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लोर करा जाए. और ये जो है यहाँ की बस सर्विस है हडर्सफील्ड की. और यहाँ सामने की तरफ जो है ये बस स्टेशन है उस तरफ. तो ये सब वहीं जाने का. बाकी यहाँ के मौसम वगैरह की बात करें जाए तो काफ़ी ठंड है फ्रॉम आवर प्लेस. बिकॉज हम लोग उस टू नहीं होते इन मौसम्स के इस एनवायरनमेंट के. तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट इनटू दिस वन. सो कुछ ऐसे हालात कुछ ऐसे हो. बाकी ये कुछ चेहरे आता भाई रोड क्रॉस कर रहे थे इसलिए इन्होंने हमारे कैमरे को हाई नहीं बोला. ये मुईद हैं लंबे बाल वाले जो लास्ट संडे आए. मुईद एंड अमान फ्रॉम इंडिया. तो कुछ लोग हैं आज पांच लोगों का ग्रुप है जो वहाँ पे जा रहा है जस्ट टू एक्सप्लोर द पार्क. और आफ्ताब भाई जो है हमारे सीनियर हैं जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है. और ये हमारे चीफ कुक भी है. बेसिकली किसी को खाना बनाने नहीं आता तो हमारे जो चीफ शेफ हैं वो यही हैं. तो यही बनाते हैं और सबको देते हैं. ये है जब हम गए थे यहाँ आके खड़े होते हैं तो यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो नहीं है बट ये वाला पॉइंट बनाते हैं जिसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं. और ये प्रेस कर देते हैं कहते हैं ये ग्रीन मार्क हो जाता तो हमें अलाउ होता है जाना. तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं. और इस वक्त जो है तो यहाँ का कुछ मौसम ऐसा ही होता है. और ये देखें आपके ये ग्रीन मार्क है तो जब एक अलाव होता है चलना तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फॉलो. और जिस जगह पे होते हैं वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं. लेट्स सी फर्दर. बाकी यहाँ पे बहुत कम नाम मिलते हैं देसियों वाले. सो दिस इज़ द वन ऑफ देम विच इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस चाय वाला. हियर वी फाउंड द रैम्बो. बहुत लाइट सा हो गया बट है एक रैम्बो. तो जस्ट वी कैन. ये जो है यहाँ पे बस स्टॉप्स हैं. डिफरेंट बस स्टॉप्स बने हुए हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे बस आती है. कुछ हाफ मिनट और मिनट दे वेट फॉर द पैसेंजर ऑफ देयर वुड बी अ पैसेंजर. तो वो उनको लेते हैं यहाँ पे होते हैं तो वो उनके लिए वेट करते हैं और उनको पिकअप वगैरह करते हैं. अदरवाइज वो लोग अपनी दूसरी पोजिशन पर चले जाते हैं. तो
यही सब कुछ है यहाँ का कुछ। सैटरडे संडे मोस्टली यहाँ पे सब कुछ बंद होता है, फूड्स वगैरह का और जो यहाँ क्लब बार वगैरह हैं ये सभी खुले होते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद होता है। और दूसरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो क्या कहते हैं खुली होती हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ वगैरह के लिए। सो हियर वी आर एट ग्रीन हेड पार्क, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन हेड कॉलेज है, स्पोर्ट्स सेंटर, टाउन सेंटर, ये सब लिखा हुआ है। बाकी ग्रीन फ्लैग क्या लिखा हुआ है 2022-23। ये लेफ्ट साइड पे ये हाउस बना, आई थिंक सिटिंग एरिया, और ये जो है यहाँ का जॉगिंग ट्रैक। लोकेशन सिंदरी, और जिस तरीके से इस ग्राउंड की ब्यूटी है माशाल्लाह। देयर वुड बी अ समवन स्टैचू लिखा होगा कुछ ना कुछ इधर भी। शावर हो रहा है आई थिंक, नजर आ रहा होगा ये कुछ। इट्स टू साइलेंस विच इज द ब्यूटी ऑफ द पार्क। शावर नजर आ रहा होगा जो हो रहा है इस वक्त। इट्स गेटिंग फास्ट, बारिश तेज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो निकली हो ना, सो ऑटम है, ऑटम ट्रैक्स बने हुए हैं डिफरेंट कलर्स। दिस इज द डायरेक्शन, ये इस पार्क के अंदर उन्होंने डायरेक्शन मार्क लगाया है, इन विच दे हैव रिटन द टाउन सेंटर, द लेक ऑफ ब्रैंडस्टैंड, मॉडल रेलवे, प्ले एरिया एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट कोर्ट्स, रिफ्रेशमेंट रूम, पब्लिक टॉयलेट। सो दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन, विच इज मे बी अराउंड द पार्क। फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे आए हुए, देसी भी हैं, नेटिव भी हैं, दे ऑल हैव हैविंग फन। वीकेंड है तो बस उसी को एंजॉय कर रहे हैं। वो मेंशन कर दूं कि किसी भी चीज़ को देखना एक्सप्लोर करना मना नहीं है, मज़हब में जो बात अलाव है, जो चीज़ अलाव है वो सब देखना, हद तक लिमिट तक जहाँ तक हमें अलाव है, हमारे इस्लाम हमें इजाज़त देता है वो सब कुछ देखना और करना अलाव है। बट ये है कि लिमिट के अंदर जिस चीज़ की भी परमिशन है वो सब कुछ एक लिमिट के अंदर, नॉट मोर देन दैट। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ करने का अलाव है, तो यही कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो हमें हमारी आइडेंटिटी को शो ना करे, या फिर क्या कहते हैं हमारी आइडेंटिटी एक गलत वे के अंदर हो। सो बस इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए सब चीज़ों को देखते हैं और आगे पीछे जहाँ भी जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं यही करते हैं। ओके जी, ये वो प्लेस है जहाँ पे इनके जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के जो मार्टर्स थे उनके यहाँ पे इन्होंने एक आइडेंटिटी के उस पर इसको इस ब्लॉक को बनाया गया,
और यहाँ पे आसपास जो है उन्हीं की वो शेड्स वगैरह लगाए हैं इन्होंने, जो उनके नाम के मार्बल्स वगैरह लगते हैं, तो सेम एज वही इन्होंने लगाया हुआ है। और ये पूरा बाउंड्री जो है उसी के उससे बनाया हुआ है इन्होंने। ओके जी, तो इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि बारिश जो है वो ऐसा और क्लाउड जो है वो ब्लैक हो रहा है, बादल जो है वो ब्लैक होते जा रहे हैं। ये जो है इस रिंग का जो है बैक साइड का एरिया पूरा। कहाँ चले गए वो लोग? आफ्ताब भाई और मोइज भाई जो है वो आगे की तरफ निकल चुका है। एंड वी हैव टू सर्च आउट कौन, वो यहाँ नहीं है, उस तरफ होंगे। यहाँ से तो मेरे पास रास्ता भी नहीं है। दिस वे वो खड़े नीचे। ओके, हियर दे हैव अ स्टेयर्स। वेदर इज टू कोल्ड। हवा बहुत तेज चल रही है और वेदर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और यहाँ हालात कुछ ऐसे होते हैं, इवन हमारी यूनिवर्सिटी के लिए या कहीं बाहर कुछ भी लेना हो तो हम पहले जो है ये चेक करते हैं कि यहाँ वेदर वगैरह कैसा है, बारिश के क्या प्रोटेक्शंस हैं, फोरकास्ट पहले पूरा चेक करना पड़ता है, फिर उस हिसाब से पहन के और ऐसे सब बाहर निकलते हैं। वैसे ही सब कुछ पहनना पड़ता है, बट सम हाउ जो है ये बहुत ज़्यादा होता है वेदर वगैरह इन सब चीज़ों का, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपने आप को पूरा कवर करना पड़ता है। अभी हम लोग निकले थे तो उस वक्त धूप थी, सब कुछ था, और इस वक्त जो है सारी धूप वूप सब साइड हो गई और ठंडा हो गया फिर से सब कुछ। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए पार्क के अंदर। पार्क के अंदर हम लोग आ गए और ग्रीन हेड पार्क, और ये है हमारे साथ आफ्ताब भाई। क्या वजह थी आने की? क्योंकि प्लान आप ही ने बनाया था, मौसम अच्छा नहीं, तो अब तो मौसम फिर से पूरा चेंज हो गया। अच्छा हो गया, पहले तो धूप थी और अब ये बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो वो तो बारिश तेज हो गई ना, पहले तो ये थी नहीं, पहले तो थी नहीं ना, ये पूरी की पूरी प्रेडिक्शन चेंज हो गई है आपकी। तो मैंने कहा था मौसम अच्छा था ना, मौसम अच्छा था। तो मोहित भाई कैसे आपके ख्यालात और तासुरात हैं, सेकेंड वीक है आपका? मुझे बहुत अच्छी लगी जगह नहीं, ग्रीन हेड पार्क कैसा लगा? और आने से पहले जो वेदर था वो सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है, आने से पहले जो मौसम था वो कुछ और था, अब जो है वो कुछ और हो गया, तो ये डिफरेंट है लेकिन मजा आ रहा है। ओके, लेट्स सी फर्दर। तो ठंड हो चुकी है, सब भाग रहे हैं अब यहाँ से वहाँ। और अवान साहब, ठंड लग रही है आपको? हमें भी जो इसको अब अंदर रखना पड़ेगा मोबाइल को। अब सीन कुछ ऐसा है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बादल भी गरज रहे हैं और भागम दौड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये क्यूट पपिया है, तो भागम दौड़ी पीछे की तरफ, बारिश बहुत ठंडी हो रही है जो है वापसी घरों की तरफ, ठीक है, बारिश वगैरह तेज़ हो गई है, वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, अब होकर के वापसी घर की तरफ चलें। हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं क्योंकि बारिश जो है बहुत एक तेज़ भी हो गई है, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ठंडी बारिश है। अब ये एक प्लेस नज़र आई है, यहाँ पे हम इसके अंदर चले जाएं, जहाँ पे वो बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे चले गए उस वाले हट के अंदर, हम लोग जो है वो इसके अंदर आ गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं पहले से ही। अच्छा भाई, मोइज भाई क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या हो गया? यहाँ पूरा सिनेरियो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो क्या सिचुएशन है आपके? यार बस धूप निकली थी, हमने कहा जाकर धूप देखेंगे, विटामिन डी हासिल करेंगे, शक्ति और ऊर्जा। तो यानी आप आए थे विटामिन डी के लिए और ये आपके साथ हो गया प्रैंक? प्रैंक यही कहना चाह रहे हैं हम। तो सोचा कुछ था, हो कुछ गया, वो कहते हैं ना, वो मोमिन साकिब कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम वक्त बदल दी, जज्बात बदल गए। अच्छा जी, तो कुछ ऐसे तासुरात हैं जो आप पेश कर रहे हैं? वैसे आपको ठंड तो नहीं लग रही हो कि आप पूरा कवर है?
अच्छा जी, आफ्ताब भाई क्या रिपोर्ट है, आप कैसा फील कर रहे हैं? यू आर एंजॉइंग बिकॉज यू आर यूज्ड टू ऑफ दिस ना। आप तकरीबन साल भर से यहाँ पे, आपने कैसे हालात देखे यहाँ के, पहले भी आप आए होंगे? फिर उसके बाद हालात बदल गए, जॉब की वजह से सुस्ती पड़ गई काम। अच्छा जी, लेट्स सी अमान भाई आप कैसा फील कर रहे हैं? इंडिया के अंदर आपने ऐसा कोई वेदर देखा था, ऐसे कुछ हालात देखे थे अभी कुछ, फिर कुछ ऐसे हालात देखे थे तो यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ है। हालात किस साइज में, वेदर सिचुएशन थोड़ा सा है ना, क्लाइमेट का बहुत ज्यादा एक इफेक्ट है, जो वहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड अभी ये जो बारिश हुई है, आई मीन इट वॉज सडन चेंज फॉर अस ना, बिकॉज वो धूप थी और फिर इस तरीके से सब कुछ चेंज हो गया, तो ये थोड़ा सा नहीं तो NHS की रजिस्ट्रेशन हो तो गई है आपकी, हो गई है, पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई ना। कंफर्मेशन आ तो गई है, कोई बात नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्यों बीमार हो जाएंगे आप। अच्छा जी, तो अब बारिश जो है वो सेटल हो गई है, इस तरीके से ही होता है कि अभी स्टार्ट होती है, 5-10 मिनट की एक होती है, कुछ हैवी हो जाती है, समटाइम सिर्फ शावर होता है, समटाइम ड्रिजलिंग होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेट है ये माशाल्लाह। ये डक्स वगैरह हैं माशाल्लाह। तो अब ये है कि फिर से घर की तरफ जाएंगे, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत है सब कुछ, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और हमें इन सब चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कुछ भी है जिन चीज़ों से भी अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, हर चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए। जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे, और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा नवाजेंगे। इसी आगे के अब हालात देखते हैं कि अब क्या होता है और क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था बहुत अच्छा था, ये भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ, और हर चीज़ से लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुदरत के नज़ारे देखने को मिलते, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब जो है सीन सिनेरियो ऐसे हैं कि वापसी घर की तरफ जा रहे हैं ना, मोइज भाई हमारे साथ हैं। नहीं नहीं सबक क्या, लर्निंग है हर चीज़ से, बाकी यहाँ पे इनको देखे और हर चीज़ के ऊपर सुभानअल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं, बिकॉज जो ब्यूटी है जिस तरीके से इस हिस्से का सब पर डेकोर हो रहा है, वहाँ एक कनाल एरिया है, बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, बट नो वरी, वी आर कैप्ट इन अल्हम्दुलिल्लाह, और कवर्ड है पूरा, तो लेट्स सी उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ते जा रही है सर, किला हो यार, तुम तो सही रह गए। मैं इसी वजह से मैं कवर होके निकला था, मैं वैसे भी गए थे सर को जो है कवर रखता हूँ, फिर वो टोपी कैप या वो गर्म वाली टोपी मिल जाए जो भी हो, बट मैं इसको कवर रखता हूँ। तो ये है नीचे से इन्होंने बनाया हुआ, चलो हम ऊपर से ही चलते हैं, यहाँ से ही आ जाओ, क्या यहीं से ऊपर चलते हैं। ओके लेट्स सी हैव अ पिक्चर। यहाँ के ग्रास के हालात है, बारिश एक मरतबा फिर जो है वो तेज़ हो चुकी है, और हम जो है वो दरख्त के नीचे आ गए, और ये हमारे जो बाकी 3 साथी हैं, पार्टनर्स हैं, वो यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। आफ्ताब भाई आप तो कह रहे थे एंजॉय कर रहे हैं, आप बारिश हो रही है तो अंदर चले गए, मेरा वेट आए, कैसी बातें करती आपने, तक आप वो अभी तक आप वो फर्स्ट जॉब यूनिवर्सिटी भूले नहीं है, अभी तक सबको याद कराते हैं वो सही आग जलाने लगे हम तो हैं हम यहाँ पे, बट यहाँ पे ये पाकिस्तान तो है नहीं, यहाँ पे आग जली तो सब पहुँच जाएंगे, फायर ब्रिगेड आएगी, फायर अलार्म भी लगाओ, लेकिन लोगों की आंखें तो है, दे आर मोर सेंसिटिव देन द कैमरास, इज़न्ट इट, या इट इज। So, जो वापसी घर की तरफ निकल चुके हैं, और
थोड़ा भीग चुके, थोड़ा ऐसे सीधा से का वो सूखे से मिक्सअप है, और अब जो है वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। आप ताब भाई मुड़ मुड़ के क्या मामला तो तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप आगे आ जाओ, आगे आगे वरना सो अब जो है वो, अब जो है वो घर जाने का, घर जाने के कहते हैं सीन है हो गया, वापसी घर जाना है। और घर जाकर जो है सबसे पहले तो अपने आपको सूखा करना, बाकी देखो घर पे जाते हुए क्या होता है बारिश वगैरह का। अब फिर से शावर और ड्रेसिंग स्टार्ट हो गई है, बट यह है कि पहले वेदर जो है वो सेटल हो चुका है तो मच बेटर देन द प्रीवियस वन। सूरज फिर से निकल चुका है, बट यहाँ सूरज होना ना होना सब बराबर है, बिकॉज वो गर्मी तो देता है नहीं, आई मीन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो होती नहीं है, और सर्दी ही होती है उसको होते हुए भी। तो कुछ ऐसे ही सीन है और इसी के अंदर एडजस्ट होते हैं। बाकी अब हमारे पास एक बार फिर से जो है ये साइन बोर्ड आ गया है, जिसके ऊपर इन्होंने लिखा, ये एंट्रेंस वाला ही साइन बोर्ड है बेसिकली, जिसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था टाउन सेंटर, लेक ब्रेकफुट और ये सब कुछ। और ये आ गया है यहाँ का एग्जिट गेट, दिस इज वॉट। और एक और चीज़ ये कि ये जो साइंस है लायंस के, छोटे छोटे लायंस बने हुए हैं, ये जो लायंस है छोटे छोटे, जब हमारा टाउन टूर था हमारे, उन्होंने हमें बताया था कि ये लायंस उन बिल्डिंग्स के ऊपर बने हुए हैं बेसिकली जो तकरीबन 2000 ईयर्स बिफोर की जो है ना बिल्डिंग्स, उनके ऊपर बेसिकली ये बने हुए हैं। तो आई मीन आज़ादी और उस टाइम वाले उस वक्त के बने हुए बिल्डिंग्स के ऊपर, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड बिल्डिंग्स ही हैं कुछ सिलेक्टेड बिल्डिंग्स ही हैं जिनके ऊपर जो है वो ये बने हुए हैं लायंस। तो वो ये शो करते हैं उस वक्त की, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं और ये सब कुछ। तो जिनके अंदर कुछ हैं जिनके कहते हैं लायंस है, कुछ है जिन पर छोटे छोटे से लायंस, और कुछ है जिनके ऊपर इस तरीके के पिक्चर्स वाले लायंस हैं। बाकी ये जो है इस वक्त वेदर है कुछ यहाँ पर, और सब कुछ जो है धूप निकल गई है लेकिन मज़ा नहीं है। अच्छा जी, पार्क से तो हम लोग आ गए बाहर, अंदर के जो नज़ारात थे, जो व्यू था और जो अल्लाह ताला की कुदरत की नज़ारा थे अंदर, वो मैंने आपको दिखा दिए थे, बारिश कैसे हो रही, रुक रही और ये सब कुछ। अभी फिर से सूरज निकल के आ चुका है, जब हम लोग घर से निकले थे तब तो सूरज था नहीं, बट अब जो है वो सूरज आ चुका है फिर से, तो बारिश अलहमदिल्ला रुक गई है। और अब ये है कि घर की तरफ चल रहे हैं बाकायदा। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ ब्रिटेन के अंदर एक चीज़ बोली जाती है, ब्रिटेन यहाँ पे कहते हैं एक चीज़ बोली जाती है कि तीन चीज़ों के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, थ्री डब्ल्यूज। तो जिसके अंदर, अच्छा जी ये जो है सामने हमारे ककलीस कॉलेज है, और आई मीन था इस जो यहाँ से अब शिफ्ट हो गया दूसरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और ये यहाँ का हडर्सफील्ड का सबसे बड़ा कॉलेज है, जो मेन कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी और फिर ये ककलीस कॉलेज आता है, जो अब यहाँ से शिफ्ट हो गया दूसरी जगह चला गया। और इसके बिल्कुल सामने जो है ये स्काई क्लिनिक है, जिसके अंदर ये अटस्पास है, बैक पेन है, स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट वेयर एंड सो ये है कि कोई भी इस तरीके के मामला जो हो तो दे विल गोना हेल्प यू आउट इन दिस बेसिकली, जिनको वो कुछ वगैरह करते हैं जो मस्कुलाइटल इश्यूज़ वगैरह होते हैं या जॉइंट इश्यूज होते हैं उनके अंदर जो एडजस्टमेंट्स वगैरह होती है वो बेसिकली ये लोग डील करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द प्लेस, लेट्स सी फर्दर आगे अगर कुछ होता है तो दिखाते हैं ऐसा। अच्छा जी, तो ये एक बार फिर रैम्बो आ गया है हमारे सामने, जो हमारे यहाँ तो बहुत रेयर था, बट यहाँ जो है क्योंकि कोई वेदर की ऐसा सच है नहीं, तो हर वक्त बारिश और ठंड वगैरह ये सब कुछ चलता रहता है, तो ये चेंजिंग्स आती रहती है। और ये रैम्बो बाकी या इस रैम्बो ना, सो हियर वी आर ऑन द वे टू आर अकोमोडेशन। यहाँ पे लॉस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हर बंदे को अपने कहते हैं राइट्स वगैरह पता है, अगर कहते हैं हमने कुछ भी ऊपर नीचे करा
तो बिकॉज उनको अपने क्या है लॉस पता है, तो वो लोग कहते हैं रुकेंगे नहीं ना, हमारा वेट करेंगे, वो अपना काम करके चले जाएंगे। इन शॉर्ट ये यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ, हम हमारे होम कंट्री के अंदर इतना यूज्ड टू नहीं थे पैदल चलने के जितना यहाँ पे पैदल चलना है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग हमारी कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो यूज्ड टू नहीं थे चलने के जितना हम इस जगह के ऊपर हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, जिससे एक तो ये है कि हमारी जो हेल्थ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, खाना पीना जो है बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, सेटल हो जाता है। बाकी ओवरवेट के जो इश्यूज़ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटल रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉकिंग। तो और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये भी बहुत इंक्रीज़ होता रहता है चलना फिरने का। और रोड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे होते हैं अप एंड डाउन स्लोप पोजीशंस के अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कहीं पे बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, आपके एंकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, आपकी नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। प्लेस है ये इस वक्त स्लोप है, ढलान की उसमें जा रही है, तो यहाँ हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा, हम जस्ट स्टेप ले रहे हैं और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली जब हम इसमें ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मस्जिद बनी हुई है, तो मैं मोस्टली यहीं पे आता हूँ नमाज के लिए, मोस्टली क्या आता है यहीं पे हूँ मैं, तो वो जो है फिर चढ़ान होती है तो वो थोड़ा प्रेशर लगता है, जान वगैरह लगनी पड़ती है, तो पसीने निकल जाते हैं इस हिस्से के अंदर। तो बस यही दिखा रहा था कि एक स्लोप है, दूसरा क्या कहते हैं रैंप वाली पोजिशंस हैं यहाँ की, तो डिफरेंट क्या कहते हैं ये यहाँ पर इन्होंने मैंशन भी करा हुआ है, चिल्ड्रेन एल्डरली स्लो डाउन, सब कुछ ऐसे हैं सीन और नज़ारे। ये हमारे राइट हैंड में जो है आगे वो बना हुआ है ट्रेन स्टेशन, आई विल शो यू, उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ से मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया था। और यहाँ पे जो है इनकी पार्किंग वगैरह जो है वो बनी हुई, ट्रेन की तो पार्किंग नहीं है बट जो आसपास लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ आमने सामने क्लब बार वगैरह ये सब कुछ बने हुए, तो उसका है ये पीछे की तरफ ट्रेन भी नज़र आ रही है, कोई टाइमिंग होगी ट्रेन वगैरह की इस वजह से है। और ये ट्रेन स्टेशन का ही शेड है, सो वंस अगेन वी आर ऑलमोस्ट अबाउट रीच टू आवर डेस्टिनेशन आवर अकोमोडेशन, इसके हम बैक साइड के बैक साइड पे ओपन मार्केट है, किसी दिन इसका भी व्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे होता क्या है बेसिकली। बाकी वी आर जस्ट अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, बाद में चलेंगे ना, अभी क्या बाद में चलेंगे? नहीं, ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ, पता नहीं तुम ये वही बाइक है जो GTY सिटी में छीन के भाग रहे होते थे, तूने घर से बाहर निकला। बाकी ये ओपन मार्केट है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है हमारा, अच्छा जी तो हम आ चुके हैं अपने घर पे विच इज जस्ट नेक्स्ट टू हेरिटेज। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड होम, और मौसम थोड़ा सा कहते हैं चेंज हो गया था बट खैर आफत के साथ घर आ गए हैं। और मैंने आपको बाहर के सारे मामला दौरा सारे नज़ारा था, और जो हम तिहार पार्क गए थे तो उसका भी मैंने आपको दिखाया था। अब इफ़ यू लाइक द वीडियो कमेंट बिलो विच पार्ट डू यू लाइक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। Thank you. Take very good. Take care of yourself. We will meet in another video with another project. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.